हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कृष्णानगर में भूस्खलन के कारण मची तबाही के बाद अब संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। यहां स्लॉटर हाउस के मलबे में दर्जनों बकरों और मुर्गियों के दबने से भारी दुर्गंध फैल गई है। महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पशुपालन विभाग और शिमला नगर निगम के अधिकारियों की टीमों ने साइट का दौरा किया है। इसके बाद किसी भी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए केमिकल स्प्रे और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके। जी हाँ बिल्कुल, इसमें पिछले दिनों हमारे बरसात में और आपदा की जब हमारे पर संकट आया था तो उस समय स्लॉटर हाउस हमारा पूरा उसमें गिर गया था, पूरी बिल्डिंग वो बह गई थी, 3-4 बिल्डिंग मकान उसमें भी चले गए थे। उसमें काफ़ी मुर्गे और बकरे और कुछ और भी जैसे सुअर, इसमें काफ़ी लोगों का उसमें काफ़ी उसमें दब गए थे। तो अब आजकल 2-3 दिन से मौसम ठीक है और वहाँ से स्मेल ना फैले या बीमारी ना कोई फैले, इसलिए एक प्रिकॉशनरी हमने उस एरिए को कवर करके वहाँ पे मशीन लगाई है और ताकि उसको जल्द से जल्द उसको खाली किया जाए और सारा GCB के साथ हमने उसको जो वहाँ मलबा पड़ा हुआ है उसको लिफ्ट कर रहे हैं ताकि, और उसके बाद नगर निगम वहाँ पे रोज़ उसमें स्प्रे और दूसरी चीज़ें भी करता रहता है और आज 2-3 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।